राफे बलोच हमारे साथ हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफे। जी वालेकुम अस्सलाम। राफे, जिस तरह से हम बात करें ट्विटर की या सोशल मीडिया की, ये स्कैम आ गया बहुत बड़ा, ऑब्वियस के लिए वो सब अलर्ट हो गए होंगे, इसको रिस्पॉन्स करेंगे, सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले तो ये बताइएगा कि एक आम शहरी, एक आम शख्स अपने अकाउंट को, सोशल मीडिया के अकाउंट को कैसे सेव कर सकता है? देखें, लेट्स पुट थिंग्स इनटू द पर्सपेक्टिव। ये जो हैक हुआ है, ये इंडिविजुअली बिल गेट्स के, जेफ बेजोस के, इलॉन मस्क के, इन हाई प्रोफाइल अकाउंट्स को इंडिविजुअली टारगेट नहीं किया गया, बल्कि इस वक्त जो हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी कम्युनिटी के पास खबरें आ रही हैं, वो ये हैं कि एक ट्विटर के इंटरनल एम्प्लॉय को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको पैसे दे के उसको ख़रीदा गया एक्सेस, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसका एक्सेस कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। उसका एक्सेस कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद इन सारे ट्विटर अकाउंट्स को एक साथ एक्सेस किया गया। तो हमें कल ही ये बात का अंदाज़ा हो गया था कि जब ये इतने सारे हाई प्रोफाइल अकाउंट सीरीज में हैक हुए हैं, तो ये इंडिविजुअली इन अकाउंट्स को टारगेट नहीं किया गया, यानी इनके पासवर्ड जो हैं वो हैक नहीं हुए, इनके कंप्यूटर जो हैं वो हैक नहीं हुए, बल्कि जो ट्विटर का जो एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय के अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, उससे इंटरनल नेटवर्क पे एक्सेस किया गया ट्विटर के, और वहाँ से इन सारे पासवर्ड की जो ईमेल जो हैं वो चेंज करके ये सारा स्कैम जो है किया गया। अब जितने भी ट्विटर अकाउंट थे, इनकी जाहिर सी बात है कि एक दे हैव अ ह्यूज फॉलोइंग, तो इन्होंने ये कहा कि जी आप इस तरह से करें कि हमारा एक बिटकॉइन एड्रेस है, उस बिटकॉइन एड्रेस पे नेक्स्ट 30 मिनट्स में जो भी शख्स जितने पैसे भेजेगा, हम उसको डबल करके वापस उन्हीं वॉलेट में भेजेंगे जहाँ से जो है ना पैसे आए हैं। तो इस तरह करके अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कल से हम इसको मॉनिटर कर रहे थे, तो $1,20,000 जो है वो स्कैम कर लिए गए हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप देखें तो $1,20,000 और वर्सेस ये जो अकाउंट हैं, इनमें से एक एक अकाउंट अगर अटैकर ब्लैक मार्केट में सेल करना चाहता, तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है ना ये अकाउंट जो है लोग परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली फॉर सम रीजन जो है वो अटैकर ने ये और विदिन सम टाइम रिकवर भी हो गया ना, 30 मिनट्स के अंदर राफे रिकवर भी तो हो गया, इतना टाइम नहीं दिया गया, फौरी रिकवर भी कर लिया गया, ये भी तो है ना सिचुएशन इसमें। देखें मेरा अपना जो ट्विटर का अकाउंट है वो वेरीफाइड है, और इस टाइम फ्रेम में जितने भी वेरीफाइड अकाउंट थे वो ट्वीट नहीं कर पा रहे थे, मैं खुद भी जो है ट्वीट नहीं कर पा रहा था। तो जैसे अच्छा, ही ये सारे वेरीफाइड अकाउंट को टारगेट किया गया, क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट की बड़ी फॉलोइंग होती है, तो ट्विटर ने उनकी ट्वीट को लॉक कर दिया, और जो ट्वीट थी वो डिलीट करते गए, और ट्विटर की टीम जो है वो उन सारे अकाउंट को देख रही थी कि किन किन अकाउंट के ऊपर इस तरह की ट्वीट थे, और उनको वो रिमूव कर रही थी। बिल्कुल ठीक, ऑब्वियसली उनको थोड़ा टाइम लगा रिकवर कवर करने में, जिससे बाकी अकाउंट्स जो नहीं थे उस लिस्ट में भी वो भी अफेक्ट हुए, ट्विटर ओवरऑल भी डाउन हो गया था कुछ टाइम के लिए। अच्छा राफे, अब ये बताइएगा, चले ये तो स्कैम है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस तो होंगी, डेफिनेटली होंगी, ट्विटर खुद इन्वॉल्व है या उसका कोई एम्प्लॉय, जैसे आपने कहा कि उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, दैट्स अ सेपरेट डिबेट, बट इन जनरल भी आप ये समझते हैं कि बहुत लोग जो हैं वो कंफ्यूज और कंसर्न हो गए हैं, बहुत अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, मैं खुद डर गई हूँ, सो बेसिकली मुझे वो हैक्स सीखने हैं कि मैं अपने अकाउंट को सिक्योर बना सकूँ, कोई मेरा पासवर्ड या मेरा अकाउंट हैक ना कर सके, मेरे नाम को इस्तेमाल ना कर सके। देखें, जितने अकाउंट हैक हुए हैं वेरीफाइड अकाउंट, उसमें ट्विटर की एक पॉलिसी है कि आप पासवर्ड के अलावा टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है, जिसमें आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आता है, वो सारे के सारे अकाउंट पर इनेबल था। उसके बावजूद भी somebody had access into those accounts, और वो इसलिए कि आपका अकाउंट कितना भी सिक्योर हो, आप कितना भी बड़ा पासवर्ड रख लें, आप 25 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखें, आप 30 कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखें, आप 2-3 step वेरिफिकेशन करें जी। लेकिन आप ट्रस्ट करते हैं एट दी एंड ट्विटर के ऊपर कि वो आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करे। अगर ट्विटर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। सही बेसिकली ये तो चलें एक हो गया, वो तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो मालूम होगा राफे के अंदर से क्या मामला हुआ, कौन एम्प्लॉय था इन्वॉल्व। बात अब ये है कि हमारे देखने वालों के लिए आप ये बता दें, 1 step 2 step 3 step आपने बताया कि सिक्योरिटी है, लोगों को मालूम नहीं है, मोस्टली लोगों को, आम शहरियों को समझ में नहीं आता कि फेसबुक है, ट्विटर है या कोई और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट किस तरह से सेफ बनाना चाहिए, बेसिक्स आप बता दें ताकि लोगों को थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से इन्फॉर्मेशन हो। देखिए, मेजॉरिटी जो स्कैम होते हैं जो हम लोग देखते हैं डे टू डे बेसिस पे, वो स्कैम्स होते हैं जिसमें यूजर खुद अपना पासवर्ड जो है, खुद अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है शेयर कर रहा होता है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, हमारे साइबर सिक्योरिटी में कोट है कि देर इज नो पैच फॉर ह्यूमन स्टुपिडिटी, यानी आप दुनिया का कोई भी फायरवॉल लगा लें, एंटीवायरस लगा लें, दुनिया का कोई भी कंट्रोल आप लगा लें,
वो उस यूजर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो यूजर खुद ही अपना पासवर्ड खुद ही अपनी डिटेल्स में लीक कर रहा हूँ। तो यूजर के लिए सजेशन ये है सबसे पहले कि जो अपना पासवर्ड है वो हर अकाउंट पर दूसरा पासवर्ड रखें। लोग क्या करते हैं वो एक ही पासवर्ड अपने 50 अकाउंट सोशल मीडिया के अकाउंट चल रहे होते हैं, बैंकिंग अकाउंट से भी वही पासवर्ड होता है, वही यूजर नेम होता है, तो जिसके पास एक अकाउंट का पासवर्ड आ जाता है तो वो नेचुरली सारे अकाउंट को एक्सेस कर लेता है। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन देते हैं जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। एक फैक्टर ये होता है कि समथिंग दैट यू नो, यानी जो आपका पासवर्ड होता है पहले वो एंटर करते हैं, जैसे ही वो आप एंटर करते हैं तो वो एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे आता है समथिंग दैट यू हैव, वो रैंडमली जनरेट होता है। तो सारे अपने अकाउंट के ऊपर सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो इनेबल कर लें, और कभी भी ट्विटर का या फेसबुक का या कोई भी आपकी ईमेल आती है वो कभी भी आपसे आपका पासवर्ड नहीं मांगेंगे। तो अक्सर लोग इस तरह होता है कि मुख्तलिफ ईमेल्स आ जाती हैं कि जी हम आपका अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा, आप जी अपना पासवर्ड बताएं या आप इस लिंक पर क्लिक करें। उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो ट्विटर जैसा फेसबुक जैसा ही एक बिल्कुल आइडेंटिकल लॉगिन पेज होता है, उससे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो अटैकर के पास सारी डिटेल्स चली जाती हैं। राफे अब मुझे याद आ रहा है एक एक सिनेरियो मेरे साथ हुआ है अभी बिल्कुल रिसेंटली। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा वेरीफाइड अकाउंट है लेकिन मुझे एक डीएम आता है पर्सनल में कि ये आपने गलतियां की हैं अपने अकाउंट में और आपने कोई कॉपीराइट्स की वायलेशन की है, सो यू हैव टू गिव अस द प्रूफ्स, तो आप इस पर लॉग इन कीजिए। और जैसे ही मैंने वो उस गिवन लिंक पर क्लिक किया तो एक पूरा पेज खुल जाता है जहाँ पे वो मेरा लॉग इन और पासवर्ड मेरे से मांग रहा था कि आप इसके अंदर जाकर पूरी वो एक्सप्लेनेशंस दे अदरवाइज आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा विद इन 48 आवर्स। वो तो मैंने थोड़ी सी अकल की कि जिस अकाउंट से मुझे मैसेज आया वो वेरीफाइड नहीं था, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल होगा उसका अकाउंट वेरीफाइड होगा। फिर मुझे थोड़ी सी और अकल आई व्हाई दे आर आस्किंग फॉर माय पासवर्ड, ये तो इनके दायरा कार में नहीं आता, सो आई काइंड ऑफ इग्नोर्ड इट एंड आई रिपोर्टेड दैट अकाउंट। बट बेचारे हमारे लोग क्या होते हैं, मासूम होते हैं, इस चक्कर में कि हमारा अकाउंट बच जाए अकाउंट दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हैं। देखिए आजकल जो वेरीफाइड अकाउंट के साथ जो भी मामला चल रहा है वो ये चल रहा है कि मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ नाइजेरियन स्कैमर्स हैं और एक दो और कंट्रीज हैं, वियतनाम भी इसमें इन्वॉल्व है, वहाँ के जो लोग हैं बेसिकली वो करते ये हैं कि वो प्रोफाइल जो वेरीफाइड हों ब्लू टिक्स लगे हुए हों उन प्रोफाइल को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि जी हम आपको एडवर्टीजमेंट के लिए $500 या $1,000 जो हैं देंगे, उसमें आप 7 डेज के लिए आप जो है ना एडवर्टीजमेंट लगाएं तो पर डे हम $500 देंगे या कोई अमाउंट आपको बताते हैं। उसके बाद वो आप एग्री कर जाते हैं कि ठीक है जी मैं ऑफ करना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक पेज रन कर रहा है वो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो वो क्या करते हैं वो आपको ना एक इन्विटेशन भेजते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना ईमेल बताएं, आप अपना ईमेल बताते हैं जो फेसबुक के साथ एसोसिएटेड होता है, वो आपको ईमेल भेजते हैं। उस ईमेल में क्या होता है कि बिजनेस मैनेजर का ऑप्शन होता है कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उस लिंक पर इनविटेशन पे तो आप अपना पेज जो है या आप अपना प्रोफाइल जो है वो उनके बिजनेस का पार्ट बना देते हैं। जब आप उनके बिजनेस का पार्ट बना देते हैं तो वो आपके प्रोफाइल में आपको रिमूव भी कर सकते हैं बाज़ औक़ात, और फिर आपके बिहाफ पे जो है ना वो पोस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है ना स्कैम्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है, यानी कि आपको अगर कोई लिंक भेज रहा है कुछ भी तो बगैर सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक भी मत कीजिए। देखिए जब भी कोई लुक्रेटिव ऑफर हो ना बहुत ज्यादा, यानी जो बात शायद आपको समझ में नहीं आ रही हो वो इसलिए होती है कि लोग बेसिकली अट्रैक्ट हो जाए। दो फैक्टर साथ प्ले किया जाता है यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ, एक ये है कि जो फियर है लोगों को, जिस तरह आपके पास एक मैसेज आया कि जी हम बंद आपका अकाउंट डिसेबल कर देंगे, दूसरा जो है वो आपको एक लालच दी जाती है कि जी हम $500 देंगे आपको $1,000 देंगे एडवर्टीजमेंट के लिए पर डे देंगे। तो इस तरह की कोई भी इस तरह की चीज हो जो आपको अट्रैक्ट करती हो बहुत जल्दी या क्या कहते हैं एक फियर का फैक्टर हो, यार आप अक्सर ऐसे भी होते हैं कि लॉटरी अकाउंट्स भी आते हैं उनकी भी आ जाती है ईमेल, क्या जी आपकी लॉटरी निकलने की इस ईमेल का जवाब दे दें आपकी लॉटरी आ गई, वो लॉटरी क्या निकलती है वो अकाउंट लॉटरी तो निकलती नहीं है लेकिन आपकी अकाउंट उनकी लॉटरी में चला जाता है। वेल थैंक यू सो मच राफे, आपने जी जी कुछ कह रहे हैं। थैंक यू, मैं ये बता रहा था कि आजकल जैसे ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया और कोई स्टेट बैंक का नुमाइंदा बन के कॉल करता है, कोई किसी इदारे का नुमाइंदा बन के कॉल करता है और आपको कहते हैं कि जी हम आपका अकाउंट जो है वो आपका ब्लॉक कर देंगे, तो वो कहते हैं कि जी आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए हम आपको एक कोड भेजते हैं, तो वो आपको एक कोड भेजते हैं वो आपके इंटरनेट बैंकिंग का कोड होता है, तो वो आपका पासवर्ड रीसेट करके या आपके इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो चल रहा है। बिल्कुल, इट्स ऑल टुगेदर अनदर टॉपिक एंड अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, कभी उस पर भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच राफे।